My name is Jadden, you are watching Jadden Oxford, so let's get started without wasting any more time. हम बात करने वाले हैं Shiba Inu एंड इससे रिलेटेड कुछ बड़े महत्वपूर्ण 3-4 अपडेट्स के बारे में, बट उससे पहले आई एम श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो, हिट द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाली क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो भैया कभी भी मिस ना कर पाए। सबसे पहले अपडेट हमारे यहाँ पर कवर कर लेते हैं, जहां पर देख सकते हैं 1.8 मिलियन हमारे वॉचलिस्ट यहाँ पर अराउंड कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद तकरीबन हमें अभी तो यहाँ पर जो Shiba Inu है अंडर 12 मतलब 11 पर रैंक हमें देखने को मिल रहा है। 4 वाली सीरीज भी आज इसने वापस अपनी टच की है, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं हल्की सी इस लाइन के बाद में यह जो मेन सीरीज थी इसके बाद में एक अच्छा हमें यहां पर वापस से मोमेंटम प्लस में यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद में देख लेते हैं कि भैया ₹1 में हमें अभी लगभग कितने Shiba Inu अवेलेबल हो रहे हैं। जहां पर कुछ दिनों पहले 260 चल रहे थे, 10 कॉइंस यहां पर कम हुए हैं और लगातार मेरे हिसाब से वापस यह 200 के अंडर कभी भी वहां पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद में मार्केट का जो डोमिनेंस है 1.03% चल रहा है। अब इसके कुछ मेजर अपडेट्स को यहां पर फटाफट कवर कर लेते हैं। सबसे पहला अपडेट हमारे यहां पर कवर करते हैं, जहां पर यह किया गया है एक Shiba के कुछ फैंस है उन्हीं की तरफ से, जहां पर लिखा गया है कि Shiba Inu नाउ एक्सेप्टेड इज द पेमेंट एट कप कपा जोज लर्न मोर। यहां पर पढ़ सकते हैं, मतलब लिखा गया है पेइंग फॉर कॉफी विद Shiba Inu गेट रेडी द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। मतलब यहां पर कई बड़ी बड़ी दुकानों पर रेस्टोरेंट्स पर यहां पर Shiba Inu को एज देयर पेमेंट एक्सेप्टेड यहां पर किया जा रहा है। और यहां पर देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि साय और एड ऑन फेसबुक थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग शिब, एब्सोल्युटली डिलाइट टू सी बिजनेसेस अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसीज ऑल दो आई एम इन मेलबोर्न बट Shiba आर्मी। मतलब लिखा गया है कि भैया मैं तो यहाँ पर से हूँ लेकिन Shiba आर्मी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करता हूँ, और ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स हो गए, बिजनेस हो गए वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जैसा Shiba को देखकर मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद में सेकंड अपडेट यहाँ पर कवर कर लेते हैं, जहाँ पर बताया गया कि भैया इस प्रकार का मोमेंटम वापस Shiba Inu वापस ग्रहण कर सकता है। जहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर यह नॉर्मल चला, उसके बाद में पंपिंग हुआ, उसके बाद में वापस नॉर्मल चला, फिर ये पंपिंग हुआ, उसके बाद में हल्का सा डंप आया और उसके बाद में वापस यहाँ पर यह पंप की तैयारी कर रहा है। अगर यह चार्ट एकदम सही साबित होता है और मार्केट जिस प्रकार से प्लस में चल रहा है तो आई थिंक सो यह वापस मोमेंटम ग्रहण कर सकता है। और अगर यह मूवमेंट होता है तो आसानी से हमें ऑल द टाइम हाई को ब्रेक होते हुए पोजीशंस भी जल्द ही देखने को यहां पर मिल सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट डाउन करके जरूर बताना। उसके बाद में थर्ड अपडेट यहां पर कवर कर लेते हैं, जहां पर लिखा गया है ब्रेकिंग न्यूज द रिपोर्ट सॉ शिब हैज ऑफिशियली रीच्ड 1 मिलियन होल्डर्स। मतलब Shiba ने अभी तक लगभग कहा गया है कि पूरी तरह से यहां पर 1 मिलियन होल्डर्स यहां पर कंप्लीट कर लिए गए हैं। यह लिखा गया है 14 नवंबर ऑफिशियली यहां पर कहा गया है, लेकिन अभी तक आई थिंक सो किए या नहीं किए वो यहां पर थोड़ा लाइव देख लेते हैं। बस जस्ट ए लिटिल बिट यहाँ पर बचे हुए हैं, लगभग यहाँ पर हो गए हैं 9,64,000 तकरीबन बता रहे हैं होल्डर। मतलब 10 लाख पूरी तरह से आई थिंक सो बहुत ही जल्द हो जाएंगे, 1 मिलियन आसानी से हमारे यहाँ पर होने वाले हैं। ऑफिशियली अभी तक 101% अभी तक तकरीबन पूरे हुए नहीं है। 4 घंटे यहां पर पहले वापस देख सकते हैं, जहां पर लिखा गया है 37 लाख Shiba Inus को यहां पर ट्रांसफर किया गया है डेड वॉलेट में। मतलब हमारे लिए यह चीज बढ़िया कि लगातार जितने ज्यादा Shiba Inu को बर्न किया जाएगा उतना ज्यादा हमारे सामने प्राइस का मोमेंटम ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज लिक्विडिटी भी बढ़ता रहता है, साथ में कॉइन्स अगर कम होते हैं तो उस रेशियो के हिसाब से इसमें प्राइस में मोमेंटम देखने को मिलता है। अब इसका क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा रखा गया है, इसकी वजह से हमें नया के बराबर यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये थे हमारे सभी अपडेट अबाउट द Shiba Inu। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।